वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। आज ये वीडियो में हम लोग आपको एनवायरमेंटल साइंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता दूं बहुत ही अप्रोक्सीमेटेड होगी, क्योंकि ये जो कट ऑफ है ये हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट के रिव्यू के बाद बनाई है। जब इन्वायरमेंटल साइंस का एग्जाम हुआ था तो हम लोगों ने अपने चैनल पर स्टूडेंट रिव्यू के नाम से एक वीडियो डाली थी, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने अपना रिव्यू दिया कि कैसा एग्जाम आया था, उसके बेस पे हम लोगों ने ये कट ऑफ बनाई है। सबसे पहले हम उन सारे स्टूडेंट को थैंक्स बोलना चाहते हैं जिन लोगों ने हमारे चैनल पर अपना इतना कीमती समय निकाल कर उसमें रिव्यू दिया। बहुत बहुत थैंक यू भाई लोगों, उन लोगों ने अपना रिव्यू दिया, उसके आधार पर ये कट ऑफ बनाई गई। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, हमारे चैनल पर कुछ समय पहले एक सर ने अपना इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने हम पीएचडी के लिए अपनी प्रिपरेशन कैसे करें वो जानकारी हमारे चैनल पर उन्होंने इंटरव्यू दिया था। हालांकि वो इस समय पीएचडी कर रहे हैं, तो उन्होंने कैसे पीएचडी की अपनी तैयारी करी थी उसकी जानकारी दी थी। उनका उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और मैं आपको बता दूं उनकी यूजीसी नेट में ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, और उस पर भी उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया कि मैं अपनी उन्होंने कैसे अपनी तैयारी करी थी कि उनकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई। तो उसकी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक मैं आपको दे दूंगा। तो पीएचडी के हम प्रिपरेशन अपनी कैसे करें उसके लिए बहुत वो हेल्पफुल वीडियो हो सकती है, तो वो वीडियो का लिंक, ये दोनों वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और स्टूडेंट रिव्यू का भी जो वीडियो जिस पर स्टूडेंट ने अपने बहुत सारे रिव्यू दिए इस वीडियो के रिगार्डिंग, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग, उसका भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। तो चलिए उस रिव्यू के आधार पर इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात करूं। अनरिजर्व की कट ऑफ जेआरएफ की 65 से 70 के बीच में जा सकती है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट ने रिव्यू क्या दिया, मैं सॉरी बताना भूल गया, रिव्यू उन्होंने जो दिया कि पेपर मॉडरेट था, ना ज्यादा टफ था ना ज्यादा इजी था, मॉडरेट था। प्रीवियस ईयर्स की जो कट ऑफ थी उससे 1-2% का हेर फेर होगा और ज्यादा हेर फेर नहीं होगा, इस हिसाब से उन लोगों ने अपना रिव्यू दिया। तो उस रिव्यू के आधार पर अनरिजर्व की जो कट ऑफ है, और ये मैं आपको बता दूं ये जितनी भी कट ऑफ है ये परसेंटेज में दे रखी है। तो बात आती परसेंटेज कैसे निकाले, तो जैसे कि मेरे मार्क्स 300 में 180 मार्क्स आए हैं, तो 180 अपॉन 300 इनटू 100 कर दीजिए, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 60, यानी कि मेरे 60% मार्क्स आए हैं। कब 300 में 180 मार्क्स आने पर हमारे कितने मार्क्स आए हैं, मेरे 60%। तो अनरिजर्व की कट ऑफ 65 से 70 के बीच में जा सकती है। जेआरएफ की, ईडब्ल्यूएस की जेआरएफ की 61 से 66 के बीच में जा सकती है। ओबीसी की 61 से 66 के बीच में जा सकती है। एससी की 58 से 63 के बीच में जा सकती है। एसटी की 55 से 60 के बीच में जा सकती है। अगर हम ओनली नेट की बात करें, अनरिजर्व की कट ऑफ 58 से 63 के बीच में जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की 53 से 58 के बीच में जा सकती है। ओबीसी की 52 से 57 के बीच में जा सकती है। एससी की 50 से 55 के बीच में जा सकती है। एसटी की 48 से 53 के बीच में जा सकती है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। हमारे चैनल पर इससे जुड़ी सारी जानकारी, न्यूज, अगर आपको कोई दिक्कत हो आप वो भी कमेंट करें, हम उससे एक्सपर्ट से बात करके वो चीज भी आपको बताएंगे कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे चैनल पर सारी न्यूज दी जाती है, सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जाता है, और हर कॉम्पिटिशन के एक्सपर्ट को बुलाया जाता है उनकी एडवाइस के लिए। सो प्लीज हमारे चैनल कॉम्पिटिशन वेल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।